बिहार के सिवान रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। उसकी पत्नी मदद की आवाज लगाती रही और लोग सहायता करने की बजाय वीडियो बनाते रहे। पीड़िता गोद में पति का सिर लेकर लोगों से सहायता मांगती रही, किंतु किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। पति ने उसकी गोद में ही तड़प कर दम तोड़ दिया। अब लोग यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार दोपहर 3 बजे की घटना है। कलकत्ता के टायर कारोबारी मोहम्मद फैजल अपनी नवविवाहित पत्नी अंजुम खातून के साथ कोलकाता जाने के लिए वाग एक्सप्रेस की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उनके पीछे से किसी बदमाश ने गोली मार दी, जिसके बाद फैजल मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। अंजुम ने फैजल का सिर गोद में रखा और सहायता के लिए गिड़गिड़ाती रही। वायरल हो रहे वीडियोज में स्पष्ट सुना जा सकता है कि अंजुम बार बार कर रही है प्लीज कोई बचा लो, किंतु पत्थर हो चुके लोगों में किसी का दिल नहीं पिघला। कुछ देर बाद वहां एक पुलिसकर्मी आया तो पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने की जगह अंजुम से सवाल जवाब करता रहा। आखिरकार फैजल ने वही दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार अभी हत्या की वजह का पता नहीं चला है। देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें।